ढाई माह में ये तालिबान ने तीसरी बार चमन बॉर्डर बंद किया है सर। पिछले महीने तुरखम बॉर्डर बंद किया एहतजाज करके, कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकाम को तालिबान ने किसी कस्म की पेशगी इतला भी नहीं दी थी। किस बात का गम गुस्सा है सर ये? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में तालिबान से मैंने हम पाकिस्तान में रह के, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिलीजियस फरवर के हिसाब से हम बाद लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, और यही पाकिस्तान में हुआ कि तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो हमने बहुत तालियां बजाई। अब एक हकीकत तो थी कि तालिबान वहाँ पे आ गए हैं, उसको एक्सेप्ट तो करना था, लेकिन माजी में भी तालिबान का रवैया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने इतने अरसे तक अफगानिस्तान के महाजरीन का जो बोझ बर्दाश्त किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ ये कि इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, आपके रोड नेटवर्क को नुकसान पहुंचा, बल्कि बहुत सारे सोशल इवेंट्स इस मुल्क में आए, स्मगलिंग आई इस मुल्क में, क्लशन को कल्चर आया, हीरोइन आई, ये सारे अफगानी लेके आए थे और आज तक लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनके एथिक्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अब तालिबान भी उसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका बड़ा नैरो विजन है दुनिया का, और इसी नैरो विजन की वजह से ये मार खाते हैं और यहाँ पे बार बार लड़ाइयाँ होती हैं। अब अगर सोचने की बात है कि अफगानिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हल क्या बॉर्डर क्लोजर से हो जाएगा? बॉर्डर बंद करके नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ज्यादा होगा या अफगानिस्तान को ज्यादा होगा? हाँ, ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर खोल के सारे अफगान शहरियों का आओ हमारे आगे गले लग जाओ, क्योंकि जब आप पाकिस्तान को वहां बैठ के जो है बुरा भला कहते हैं तो पाकिस्तान को अपना रूल एंड रेगुलेशन तो बनाने हैं। दुनिया से वो वैसे कटे हुए हैं, एक मुल्क है जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है अनाज के। आप पाकिस्तान में जो आप डॉलर की कीमत होती जाते देख रही हैं, जिस तरह आपकी इन्फ्लेशन हो रही है, घी की कीमतें बढ़ रही है, अनाज की कीमतें बढ़ रही, वो अफगान स्मगलिंग की वजह से बढ़ रही है। वो अफगानिस्तान के अंदर का इम्पैक्ट है जो आपके ऊपर, हमारे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, और ये तमाम चीजें करके उनको ये पता नहीं कि वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान से जाती है फूड की, वहां ऑलरेडी शॉर्टेज है, ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर रोजाना आप सोशल सिक्योरिटी भी और आपके फिलैंथ्रोपिस्ट भी जो है वो अनाज और बाकी चीजें उनके हवाले कर रहे हैं। तो इसको एक नहायत ही बेवकूफाना, नहायत ही स्टूपिड किस्म का डिसीजन है जो उनके सिर्फ और सिर्फ उनके टनल विजन की वजह से आता है, उनके नैरो विजन की वजह से आता है। और यही लोग बात कर रहे थे कि वो आ तो गए हैं, हुकूमतों को किस तरह चलाएंगे, पर आज उन्होंने इस चीज का बारा कर रहे हैं। सर आपकी बात से तो मुझे ये लग रहा है कि ये पुरानी अपनी रविश पे तालिबान वापस आ सकते हैं, जो हमारी तरफ से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी या वजीर खारजा जिस तरह के बयान दे रहे थे कि ये वो वाले तालिबान नहीं है, तो वो सब बेकार है सर? बिल्कुल, ये वो वाले तालिबान तो इन्होंने प्रूव नहीं किया कि वो है, क्योंकि इन्होंने अपनी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, बहुत सारी पॉलिटिकल मैनूवर्स की, पाकिस्तान को छोड़ा, लेकिन मैं आपसे जो कंपैरेटिव के कंपैरिजन में जिक्र करूं कि अफगानी जो है बुनियादी तौर पे एहसान फरामोश कौम है, ये याद रखिएगा, वो उसी को डिच करते हैं जो उनके ऊपर एहसान करता है। और आज ये अगर चीजें अफगानी की तालिबान करेंगे तो वो इस चीज को मोहर लगा देंगे।